130 करोड़ आबादी वाला एक देश जहां 12,000 से ज्यादा ट्रेन में 2.3 करोड़ पैसेंजर्स हर दिन ट्रैवल करते हैं। एक 115,000 किलोमीटर लेंथ से ज्यादा रेलवे ट्रैक और 7,000 से ज्यादा स्टेशन को लेके ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इतने बड़े आंकड़ों के बीच इंडिया ने अपना रेलवे सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए 508 किलोमीटर लंबी देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम शुरू कर चुका है, जिस प्रोजेक्ट का नाम MAHSR यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट और जापान के उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया और इस प्रोजेक्ट के लिए $14 बिलियन का खर्चा होने वाला है, जिसका 80% कॉस्ट हम जापान से 0.1 इंटरेस्ट रेट में लोन ला रहे हैं। पर बात यह है कि क्या आपको लगता है कि सच में इंडिया को अभी बुलेट ट्रेन चाहिए जिसका लागत $14 बिलियन यानी 112,000 करोड़ की है? $14 बिलियन का खर्चा हम सिर्फ एक बुलेट ट्रेन के लिए करते हैं, तो क्या हम इतने खर्चा दूसरे एक्सप्रेस ट्रेन में कर सकते थे? जिन जगह में रेलवे ट्रैक नहीं है वहां भी हम इनोवेट कर सकते थे। तो चलिए इस टॉपिक को हम और भी डीपली समझते हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ और कितना काम अभी तक खत्म हो चुका है, कब तक इंडिया को अपना पहला बुलेट ट्रेन मिलेगा। इस वीडियो को हमने GD के हिसाब से डिजाइन किया है क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स बहुत से ग्रुप डिस्कशन में पूछे जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऊपर आई बटन में दिया गया लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सफाली, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। आपको मालूम होगा इंडिया का कोशिश हर मोड पे एक नए सफर तक पहुंचता है और हर सफर में कामयाबी को हासिल करना भी एक जिज्सा है। 14 सितंबर 2017 को पूरे देश के अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला बुलेट ट्रेन के लिए MAHSR प्रोजेक्ट की लॉन्च की गई इंडियन गवर्नमेंट और जापान की कोऑपरेशन के साथ, जो कनेक्ट करेगा देश की इकोनॉमिक हब मुंबई और अहमदाबाद को। इसके लिए 3 स्टेशन को बिल्ड किया गया है, जो है थाने, बिहार और बोईसर। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में 36 ब्रिजेस जो कि 11 रिवर्स में होंगी और 6 माउंटेन टनल्स भी शामिल होंगी। इसकी फंडिंग के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 1,00,000 जापानीज येन की लोन प्रोवाइड की है, लेकिन अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसको कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 4 साल की जरूरत पड़ सकती है। ये तो हम सबको पता है कि बुलेट ट्रेन एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क वाला पैसेंजर ट्रेन है जिसका स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। कहा जाए तो 2022 के अंदर देश का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, जिसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जिस बुलेट ट्रेन की बात हम करने जा रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। बुलेट ट्रेन के आने से इंडियन रेलवे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, लोगों को ट्रैवलिंग में काफ़ी वक्त बच जाएगा। ये इतना फास्टेस्ट होगा कि जिस जगह को जाने के लिए आपको 5 घंटे लगते थे वो अभी कुछ 1 या 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। एक और बात आप सोच रहे होंगे कि इतना फास्टेस्ट है तो सेफ होगा कि नहीं, चलिए जानते हैं इसमें इतने ही फीचर्स हैं या कुछ और भी, क्या बेनिफिट्स हैं इसका और किस तरह के डीमेरिट्स हो सकते हैं। अगर इसके प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये इंडिजीनियस है, यानी प्लानिंग के अनुसार ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है हाई स्पीड। नॉर्मल ट्रेन का स्पीड 160 से 200 किलोमीटर पर आवर रहता है, लेकिन इसका 320 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सबके लिए बहुत ही टाइम सेविंग हो पाएगा। इंडियन रेलवे में कंफर्ट की बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ट्रेन्स में भीड़ में लोगों को कई घंटों तक खड़े होना पड़ता है। बुलेट ट्रेन से ये भी बेनिफिशियल होगा कि लोगों को कंफर्ट मिल पाएगी, लॉन्ग रूट की जर्नी को फ्यू मिनट्स में पहुंच पाएंगे, वो भी कंफर्ट के साथ। इसमें ऑटोमेटिकली ट्रैफिक और रोड कंजेक्शंस भी कम जाएंगे, साथ ही साथ एयर और नॉइज पोल्यूशन भी कम होगी। दो सिटीज की अगर बात करो तो जो कि 7 घंटा लगता है ट्रैवलिंग के लिए, अब लोग सिर्फ 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। जिसका कॉस्ट अनुमान में ज़्यादा लगाया गया था अब 1.08 ट्रिलियन रुपीस में हो गया। डिजाइनिंग के हिसाब से इसका रनिंग स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अब 320 किलोमीटर यानी 200 माइल्स पर आवर हो चुका है।
HSR ग्रुप में एंटर करने वाला इंडिया अभी ना कि सिर्फ हमारा देश के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्शन ला पाएगा। इंडिया का नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन भी इसकी फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस को मैनेज करेगा। इससे इकोनॉमी भी बूस्ट हो पाएगा। सिर्फ पीपल से नहीं बल्कि सिटीज जो कॉरिडोर के पास होंगे उनकी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ग्रोथ होगी। लोग कम टाइम में उस जगह को ट्रैवल करने जा पाएंगे टूरिज्म के लिए, और काफी सारे जॉब ओपनिंग्स भी निकल सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, जिससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे के स्टाफ्स के ट्रेनिंग के लिए वडोदरा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सेटअप की गई है, जिसमें उन्हें एडवांस्ड ट्रेनिंग दिए जाएंगे ताकि ये प्रोजेक्ट जब दूसरे कॉरिडोर के लिए स्टार्ट होंगे तब काम आए। पहली बार इंडिया के किसी रेलवे प्रोजेक्ट में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी लाइडर को अडेप्ट किया गया है। इसकी हाई एक्यूरेसी के लिए जिसमें लेजर डाटा, GPS, एक्यूरेट सर्वे के लिए फोटो की कम्बिनेशन होगी। 508.09 किलोमीटर डिस्टेंस में से 460.3 किलोमीटर तक वाइडेक्ट होंगी। 9.22 किलोमीटर ब्रिजेस में 2.87 किलोमीटर टनल्स जो कि अंडर सीज होंगी, यानी टनल्स जो क्रिएट किए जाएंगे वो अंडर वाटर होंगे। और एयरप्लेन्स की तरह हाई स्पीड रेल को भी एरोडायनामिक्स ड्रैग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसीलिए हर कंपार्टमेंट के लिए साइड और बॉटम कवर्स लगाए गए हैं। जब टनल से एग्जिट करता है तब माइक्रो प्रेशर वेव की वजह से एक ब्लास्टिंग साउंड करता है, इसे रिड्यूस करने के लिए फ्रंट नोज की डिजाइनिंग की गई है। हाई स्पीड होने के कारण नॉइस रिडक्शन करने के लिए भी ऐसे बहुत से फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि डबल स्किन एल्यूमिनियम एलॉय, एयरटाइट फ्लोर्स और साइड कवर्स भी साउंड एब्जॉर्बिंग है। इसी तरह देखा जाए तो जितना एडवांस्ड है ये, उतना ही इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। पहली बात तो ये इतना एडवांस्ड होने के कारण इसका कॉस्ट हाई है, इसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में भी बहुत कॉस्ट लग जाते हैं। दूसरा, इसका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन को कंपनसेट करने के लिए कहा जाए तो कुछ 5,000 रुपीस इसमें कुछ इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं, और जो इसे अफोर्ड करते हैं वो प्लेन में क्यों ना जाए। प्लेन में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग अगर इतने कॉस्ट में ट्रेन में जाते हैं। इस फैक्टर को भी गवर्नमेंट कंसिडर करना चाहिए, वरना ये प्रोजेक्ट हमारे लिए लॉस भी हो सकता है। अभी तक कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट अपने इनिशियल स्टेज पर है, जिसको कंप्लीट होने में सालों लग जाएंगे। इसी बीच गवर्नमेंट का प्लानिंग अगर चेंज होता है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 508 किलोमीटर रूट के लिए 1396 हेक्टर्स की लैंड रिक्वायर होती हैं। 348.04 किलोमीटर पास होंगी गुजरात से, 4.3 किलोमीटर दादरा एंड नगर हवेली से, और 155.76 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर पास होगा महाराष्ट्र से। लैंड एक्विजिशन में भी कई इश्यूज होती हैं। जो लोग पहले से अपना घर वहां बना चुके हैं, लैंड एक्विजिशन के टाइम पे शायद उनको उनके ज़मीन का ठीक कीमत ना मिल पाए, और जब कोई अपनी ज़िंदगी का सारा कमाई अपने घर पे लगा चुका है उसे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और इस तरह से एंगर भी क्रिएट होगा। एक और बात, जब किसी के एग्रीकल्चर लैंड की कल्टिवेशन का फाइनल स्टेज हो, उस वक्त अगर लैंड एक्विजिशन होता है उसके 1-2 महीने का आने वाला फसल भी खराब हो सकता है। रेलवे कॉरिडोर के पास वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इंपैक्ट पड़ सकते हैं। जब ट्रेन पास करेगा तो उसके साउंड से लोगों को बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन को अगर देखा जाए तो बहुत से जगह ऐसे हैं जो कि ऊंचा और नीचा सा है, पर बुलेट ट्रेन के लिए प्लेन सरफेस चाहिए क्योंकि ये हाई स्पीड रहता है, और इस प्रोसेस के लिए काफ़ी समय और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन के लिए अगर इसे जल्दी किया जाए, इंडिया को दूसरे कंट्रीज में से आइडिया इंपोर्ट करने पड़ेंगी, वरना इंडिया को और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस सफ़र में अब टारगेट है कि इंडियन रेल को एक नए मुकाम में पहुँचाने की। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के लिए रेलवे में लोगों का डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। 6 मई 1836 से शुरू होने वाला इंडियन रेलवे, जो पूरे देश में 1.2 लाख किलोमीटर तक स्प्रेड हो चुका है, जो कि पिछले कुछ एक्सप्रेस ट्रेन, मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन हुआ करता था, आज बुलेट ट्रेन की उम्मीद लगा चुका है। ट्रेन 18 कहलाने वाला सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन को दोबारा लॉन्च करवाया गया 15 फरवरी 2019 को, और आज उसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये एक बुलेट ट्रेन नहीं है, इसके लिए अभी थोड़ा और वक्त ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स बुलेट ट्रेन को लेके। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो जो कि आपके जीडी में काम है।
और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए। सवाल ये है कि इंडिया का पहला 2 स्टेशन का नाम बताइए जो रेलवे लाइन के द्वारा कनेक्ट हुआ। कमेंट में इसका आंसर देना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जीडी वीडियोज़।